बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जलसीमियम के बारे में स्टडी करेंगे और जलसीमियम के बारे में हम तफसील के साथ मालूमाती वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी बात करें, इस तरह अच्छा लेक्चर दें ताकि हम इसको याद कर सकें और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। जलसीमियम हमारी जितना हम कोशिश करते हैं कि क्लास के हवाले से हम, क्योंकि तालिब इल्मों को भी बताते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर पर तालिब इल्मों का ख्याल रखते हैं कि किस तरह याद कर सकें। इस लिहाज से हमने सिलेबस वाइज सिलसिला शुरू किया है। आज हमारे सिलेबस की फर्स्ट ईयर सिलेबस की तीसरी अहम दवाई है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जलसीमियम। याद रखने के लिए हम इसको सिर्फ 3 डीज के लिहाज से हम इसको जेन में रखेंगे। आप जेन में रखें 3 डी, यानी 3 डी। नंबर 1 डलनेस, नंबर 2 ड्रोजिनस, नंबर 3 डिजीनेस। डलनेस, ड्रोजिनस और डिजीनेस, ये 3 जलसीमियम की अहम अलामात में से हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जलसीमियम को ये 3 लफ्ज़ बनाते हैं तो बेजाना होगा। किस तरह बनाते हैं? अब देखें, डलनेस मरीज इसका डल होता है, जलसीमियम का मरीज डल होता है, यानी उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, जिस्म कमज़ोर होता है, वीकनेस होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको डलनेस का नाम दिया गया। अगर ड्रोजिनस, ड्रोजिनस का मतलब होता है ऊँगना, गनूदगी में रहना, मरीज़ को नींद भी नहीं आती लेकिन फिर इसके बावजूद जो वो ना गनूदगी में रहता है, इसको हम कहेंगे ड्रोजिनस। तो तमाम अलामतों में ये ड्रोजिनस जो है वो शामिल हाल रहेगी। अगली बात है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है चकराना, चक्कर आना। तो चक्कर आना भी इस दवाई के अंदर तमाम कैफियत में शामिल हाल रहता है। मरीज सर चकराने की शिकायत करता है और इसी तरह कमज़ोरी की वजह से, जैसे इसके अंदर कमज़ोरी का एक आम खासा है, तो कमज़ोरी की वजह से भी मरीज़ जो है वो चक्कर करता है, चक्कर आते हैं उसको। और ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, डलनेस, ड्रोजिनेस और डिजीनेस, ये मरीज़ के अंदर हर बीमारी के अंदर शामिल हाल रहती हैं, अक्यूट हो या क्रोनिक। अब ये तो अहम एक इसकी तस्वीर जो है मैंने आपको बता दी है। अब इसका ज़रा थोड़ा सा खाका मैंने आपको बताऊंगा कि बेलाडोना और एकोनाइड के बाद इसको बयान करना क्यों ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, अक्यूट बीमारियों की नौीयत होती है, अक्यूट बीमारियों की नौीयत होती है, वो क्या होती है कि एक ऐसी एक्यूट बीमारी जो सडन आती है, सडन डिसअपीयर होती है, एक ऐसी बीमारी एक्यूट होती है जो आस्ता आस्ता आती है, सडन नहीं आती, वो भी एक्यूट में ही उनका नाम दिया जाता है, वो सडन नहीं आती, वो आस्ता आस्ता आती है। तो जलसीमियम की जो एक्यूट बीमारी है, वैसे ये सब क्रॉनिक इसको दर्जा दिया गया है, क्रॉनिक बीमारी में भी इस्तेमाल होती है, एक्यूट में भी होती है। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे कि स्लो डिजीज़ इसके अंदर आती हैं, स्लो बीमारियां इसके अंदर आती हैं, बुखार होगा स्लो होगा, नज़ल ज़ुकाम होगा स्लो होगा, इसकी सारी कैफियत जो है वो स्लो की तरफ जाएगी। उन 2 दवाइयों की तरह यकदम जो है वो आनन फान बीमारियां इसमें नहीं आती, इसलिए इसके अंदर ये इसकी वजाहत करना ज़रूरी थी। अच्छा, इसके अलावा कमज़ोरी, वीकनेस, वीकनेस भी इसका अहम खासा है। पैरालिसिस की तरफ मरीज चला जाता है, यानी फालज की तरफ चला जाता है। वीकनेस इतनी होती है कि मरीज खड़े नहीं हो सकता, इसका जिस्म कांपता है, ट्रेम्बलिंग होती है, जिस्म कांपता है। इसके बाद एप्रीहेंशंस, खदशात। अगर मैं ये कहूँ के दौरे जदीद की अहम दवाई है, दौरे जदीद जो एक टेंशन का दौर है,
इसकी अहम दवाई है ये जल्सीमियम, और वो इसलिए कि जब इसका मरीज कमज़ोर होता है, ये अपने कारोबारी टेंशन लेता है, ये अपनी मुख्तलिफ जो फील्ड हैं उसके अंदर उसको मायूसी होती है, तो मायूसी बढ़ती 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 वो जल्सीमियम को मरीज़ बना देती है, असाबी तौर पर मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। जब मरीज़ असाबी तौर पर कमज़ोर होता है तो फिर वो ट्रेम्बलिंग की तरफ जाता है, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। अच्छा, डिप्रेसिंग इमोशंस, ये भी इसकी ख़ास अहमियत है, इसमें बड़ी अहमियत रखता है डिप्रेसिंग, यानी इसके जज्बात दब जाते हैं, इमोशंस दब जाते हैं, तो वो उससे होता क्या है, जिस्म कांपता है और जिस्म के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, और जब जिस्म के अंदर कमज़ोरी आती है तो अज़ा जो हैं वो वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, और इस तरह वीकनेस होती है कि मरीज़ के अज़ा जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं। जब मरीज़ कांपते हैं, अज़ा कांपते हैं, तो फिर वो टूवर्ड चला जाता है जी फालिज, फालिज हो जाती है इसके मरीज को। अच्छा, इसके बाद एक बात पहले आपको बताना जा रहा था, वो है कि हैवीनेस, इसके तमाम अज़ा हैवीनेस हो जाते हैं, भारे हो जाते हैं, भारीपन का शिकार हो जाते हैं, और फिर इस बात की ये दलील है कि अज़ा का भारा होना, वजनी होना, इस बात की दलील है कि वो फालिज की तरफ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह भारीपन की वजह से आईलेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कमज़ोरी की वजह से आँख मरीज खोल नहीं सकता, अब बिनाई कमज़ोर हो जाती है, अपने पपोटों को खोल नहीं सकता, इतनी कमज़ोरी हो जाती है इसके अंदर। इसके अलावा एक इसकी मोडलिटी है, यानी अभी मैं आपको मोडलिटी बाद में बताऊंगा, लेकिन इसलिए ये अहम है इसलिए इसका इजहार करूंगा कि पेशाब आने से इसकी जुमला अलामत जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी बेहतर हो जाती हैं, ये इसका ज़रूरी मैंने आपको बताना था। मेंटल ज़हनी अलामत मैंने आपको बता दी हैं, एंग्जाइटी होती है इसके अंदर, और एंगेजमेंट बीमारियां होती हैं इसके अंदर। एंगेजमेंट से मतलब है कि जब बंदे को अचानक कोई चीज़ बता दी जाए तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। मसलन अगर किसी को ये बता दिया जाए कि अभी हमने लाहौर जाना है, अभी हमने किसी और शहर में जाना है, इस तरह इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, जिन टेंशन होना शुरू हो जाती है, जिस तरह एक और दवाई है जो उसका बाद में जिक्र करेंगे। हिस्टेरिया की कैफियत पैदा हो जाती है, फियर ऑफ डेथ इसमें भी होती है, लेकिन एक्नॉइड जैसी नहीं होती, इसमें और तरह की फियर ऑफ डेथ होती है, कमज़ोरी की होती है, कमज़ोरी की वजह से मरीज जो है वो खौफ ज़्यादा हो जाता है, खौफ में मुबतला हो जाता है, इसलिए इसको फियर ऑफ डेथ होती है। ज़हनी तौर पर मरीज बुज़दिल होता है, इसके अंदर हौसला नहीं होता, और ये मरीज कोशिश करता है कि वो किसी को अपनी बात भी ना बताए, और बात भी ना बताए और बोले भी ना, इस हद तक ये मायूस होता है इसका मरीज। ऑब्जेक्टिव इसकी डलनेस चेहरे से नज़र आती है, ड्रॉजीनेस होता है, ओंग रहा होता है मरीज, और डिजीनेस चकरा रहा होता है, आप यानी फिजिशियन जो है वो आसानी से इसको पहचान सकता है। अब इसको इसकी हम ज़रा कमी पेशी का थोड़ा सा मुताले कर लें कि इसकी कमी पेशी कैसे होती है। माइंड, माइंड क्योंकि इसका बहुत अहम है, इसलिए मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़हनी तौर पर मरीज़ को अगर वो आएंगी तो मरीज़ की तमाम तकलीफें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इमोशंस जिस तरह पहले बताया, जज्बाती कैफियत के लिए ये इसको तकलीफें हो जाती हैं। बुरी खबर सुनने से, एलिमेंट फ्राम बैड न्यूज़, ड्रेड डरने से, शॉक अगर उसको सदमा हो जाए तब भी इसकी तकलीफें हो जाती हैं इसके मरीज को। बैड न्यूज़ सुनने से पहले मैंने बता दिया, सरप्राइज्ड, अचानक वो सरप्राइज मिल जाए, वो बैड हो जा, खुशी वाला हो जाओ, गमी वाला हो, तो उसकी तकलीफों में इजाफा हो जाता है। तो हम इसकी जनरल मोडलिटी लेंगे। एग्रवेशन फ्राम हीट, हीट ऑफ सन, वैसे इसकी जो गर्मियों में अलामतें इसकी बढ़ती हैं। मोशंस चलने से, हुमर्ड वेदर,
ये सावन बादों की मौसम की दवाई है ये, ठीक है। सावन बादों की दवाई है, यानी जब वो बहुत एक अजीब सा मौसम होता है जिसमें हबस होता है, हबस हबस वाला डैम वेदर जो है वो नमी वाला मौसम इसमें आता है। तंबाकू स्मोकिंग वाले लोग भी इसकी कैफियत जो वो हो जाती है आमतौर पर, और सोचने से अपनी तकलीफों को सोचने से अक्सर इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं मेंटल वर्क करने से। इसके अलावा इसकी कमी होती है जी, मैंने पहले इसकी जो अहम कमी थी इसकी बता दी है, यूरिनेशन करने से पेशाब की जब यूरिन करता है पेशाब आता है, खास तौर पर सर दर्द की अलामतों को ठीक हो जाता है। अल्कोहल या स्टिमुलेट की कोई भी चीज़ है, स्टिमुलेट करने वाली कोई भी चीज़ है, उसको इससे तकलीफ में कमी होती है। तो आज का लेक्चर यही था, इसके लिए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त कम है। तो कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।